पंजाब के नए राज्यपाल के तौर पर गुलाब चंद कटारिया ने आज पंजाब राजभवन में शपथ ली। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कटारिया ने पंजाब के गवर्नर के साथ साथ चंडीगढ़ के प्रशासक का पदभार भी संभाला। वहीं इस दौरान गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि आज ही उन्होंने राज्यपाल के तौर पर शपथ ली है और पंजाब के विकास के लिए सरकार के साथ मिलकर आगे काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां तक पंजाब के विकास का जो राज्यपाल के पास पेंडिंग है उन्हें भी देखा जाएगा और अध्ययन के बाद ही उस पर कोई फैसला लिया जाएगा। साथ ही राज्यपाल ने कटारिया ने कहा कि बनवारी लाल पुरोहित की तरह वो भी पंजाब बॉर्डर्स का दौरा जारी रखेंगे। देता हूं मैं गुलाबचंद कटारिया जी को, जिन्होंने आज बतौर पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक के तौर पर आज पद संभाला है। और उन्होंने कल आते ही कहा था कि मुझे पंजाब पसंद है, मुझे चंडीगढ़ बहुत पसंद है, मिलके काम करेंगे। और जो भी संवैधानिक जिम्मेदारियां उनकी उनके अधिकार क्षेत्र में हैं वो काम करेंगे, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है मिलके काम करेंगे। और ओथ में भी उन्होंने यही कहा कि मैं पंजाब के लिए जो सेवा भावना से काम करूँगा तो उसी सेवा भावना से मैं भी काम करूँगा। पिछले राज्यपाल के साथ कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास थी वो, नहीं कोई ऐसी बात नहीं, कई बार परिवार में हो जाता है। वो तो आप बिग बॉस देखते हो, एक महीने में 5-7 ग्रुप बन जाते हैं वहाँ पे, हालांकि एक महीने का ही होता है वो। लेकिन ये है कि काम करना है जनता के लिए, तो गुलाब चंद कटारिया जी बहुत अनुभवी नेता हैं, 8 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार MP रह चुके हैं, तो उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। और मुझे उम्मीद है कि पंजाब के लिए हम उनके इस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेंगे। कोई बात नहीं, जो बिल्स हैं उनके साथ डिस्कस करके उनको बता के और आने वाले दिनों में जो है, जब आज से उन्होंने कार्यभार संभाला है